रोमन रेंज ने हराया ब्रॉक लेसनर को और बने न्यू यूनिवर्सल चैंप 50 मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, वीडियो के शुरुआत ने आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया होगा। जी हाँ, यहाँ रोमन रेंस हार चुके हैं लेकिन असलियत में वो मैच को जीते थे। अब मैं बताता हूँ कि क्यों वो मैच को जीते थे और क्या असली रीजंस रहे इस मैच के अंदर। सबसे पहले बात की जाए इस मैच के बुरी चीजों की, तो सबसे बुरी चीज जो मुझे लगी दोस्तों वो था केज का स्ट्रक्चर। वो केज कम दोस्तों, फेंसिंग ज्यादा लग रही थी, बाड़ा ज्यादा लग रही थी। पहले बात की जाए इस केज की तो शायद इसका कंस्ट्रक्शन सऊदी अरेबिया के अंदर ही हुआ होगा, जिसके चलते दोस्तों यहाँ एक बड़ी कमी रह गई कि उसकी जो तार थी वो मोटी होनी चाहिए थी। चलो इस बात को छोड़ते हैं, दूसरी चीज पे चलते हैं। यहां पॉल हैमन ने भी डिस्ट्रक्शन किया, हालांकि केज मैच था, चलो वो बात भी होगी, लेकिन मैच की जो एंडिंग थी दोस्तों वो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। मैच की एंडिंग में क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर एक जगह खड़े रहते हैं, तभी दूसरी ओर से आ जाते हैं रोमन रेंस जो कि उन्हें स्पीयर लगाते हैं। केज टूट जाता है और दोनों रेसलर नीचे जा गिरते हैं। हालांकि रेफरी उस समय चेक करते हैं कि कौन सा रेसलर पहले गिरा। हालांकि वहां ब्रॉक लेसनर अधर में लटके हुए थे और उन्हें चैंपियन बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि जो रूल है एस्केप विक्टरी का वो ये है कि दोनों फीट जो है रेसलर के वो फ्लोर को टच होने चाहिए। वहां तो ब्रॉक लेसनर हवा में लटके हुए थे, तो क्या किया यहाँ WWE वालों ने, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल दोस्तों इसे हम प्री प्लांट भी नहीं कह सकते, इसे हम बॉच भी नहीं कह सकते। बॉच हम इसलिए नहीं कह सकते दोस्तों क्योंकि हमें नहीं पता कि वाकई में बॉच हुआ कि नहीं। दूसरी चीज, हम इसे प्री प्लांट भी नहीं कह सकते क्योंकि WWE के प्लान्स अभी तक सामने नहीं आए हैं कि यहाँ रोमन रेंस को रीमैच मिलेगा कि नहीं। अगर दोस्तों ये चीज प्री प्लांट थी और WWE को इस राइवलरी को और घसीटना है तो यहाँ उन्हें रीमैच जरूर मिलेगा, और ये आप मुझसे लिख के भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये चीज बॉच हो चुकी है तो यहाँ उन्हें रीमैच नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ एंडिंग जो हुई ये बिल्कुल गलत हुई और यहाँ रोमन रेंस को न्यू यूनिवर्सल चैंपियन होना चाहिए था। अब इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ रोमन रेंस को चैंप होना चाहिए था या फिर ब्रॉक लेसनर ने सही में इस टाइटल को रिटेन कर लिया है। वेल, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर। बैंग।